फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए कमीज की कटिंग कैसे होगी। इसको मैं पहले इसको डबल फोल्ड में कर लेना है। मैं इसको कढ़ाई को पहले बराबर से इसको मिला लेना है। यहाँ पे दोनों इसको सेंटर से सेंटर मिला लेना है। इसको बिल्कुल बराबर से बिछा लेना है। अब यहाँ से देखना है, मैं इसकी कमीज की लंबाई बनाऊंगी 38 इंच। अब यहाँ पे मैं मार्का कर रही हूँ 1 इंच ज़्यादा, 39 इंच पे मैं मार्का कर रही हूँ। अब यहाँ से मैं इसमें तीरा ले रही हूँ 6.5 इंच, आरमोल मैं इसमें ले रही हूँ 7 इंच। अब यहाँ पे मार्का कर देना है। चेस्ट मैं इसमें ले रही हूँ 9.5 इंच। अब ऊपर से मैं ले रही हूँ, देखना 14 इंच पे, कहाँ 14 इंच पे मार्का कर देना है। एक 20 इंच पे मार्का कर देना है, 20 इंच पे ही तो लगेगा। अब इसको सीधा मार्का कर देना है, अरे इसको भी सीधा मार्का कर देना है। जो 14 इंच पे लगा है यहाँ पे मैं कमर का निशान लगा, इसमें मैं ले रही हूँ 8.5 इंच। यहाँ पे जो पीस का लगा इसमें मैं चौथाई हिस्सा लगा इस तरह, इसमें 10 इंच ही मैं इसमें ले रही हूँ। और नीचे का मैं घेरा इसमें ले रही हूँ, ये 10 इंच डबल में है, 20 इंच का बनेगा इस साइड को। अब इसको सीधा मार्का इसको कर देना है। और यहाँ पे फंटी लेना है। और यहाँ पे इसको मिला देना है, यहाँ से इसको मार्का कर देना है। और 2-2 इंच इस तरह, और 1/2 इंच फ्रंट में डाउन करना है। यहाँ हारमोल की गोलाई बना देना है। और यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे 1/2 इंच डाउन कर देना है तीरों का। गला की चौड़ाई मैं ले रही हूँ इसमें 2.5 इंच, लंबाई मैं इसमें ले रही हूँ 7 इंच। मैं इसमें बकरम पे गला बनाऊंगी। अब यहाँ पे मैं इसमें बी गला बनाऊंगी। अब इसको यहाँ से 2-2 इंच इस तरह मार्का कर देना फोल्ड के लिए। अब इसको कटिंग करके निकाल देना है। जैसे जैसे मार्का लगा ऐसे इसको कटिंग करके निकाल देना है। अब हारमोल की गोलाई भी इसको कटिंग करके निकाल देना है। अब इसको कटिंग करके निकाल देना। जैसे जैसे मार्का लगा ऐसे इसको कटिंग करके निकाल देना है। और जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें इसको डबल फोल्ड में करना है। अब इसको डबल फोल्ड में कर देना है। अब इसको डबल फोल्ड में कर देना है। अब इसके ऊपर इसको बिछा के देख लेना बराबर से। पीछे वाले पार्ट को और इसको आगे वाले पार्ट के इसके ऊपर बिछा देना बराबर से। बराबर से इसको बिछा देना है। और नीचे मैं फोल्ड के लिए दूसरा कपड़ा इसमें ज्वाइंट के लिए लगाऊंगी, नीचे के लिए फोल्ड के लिए। अब यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर से कर लेना है। और इसको पीछे वाले पार्ट को भी कटिंग करके निकाल देना है। अब यहाँ से इसको भी कटिंग करके निकाल देना है। अब इसको साइड में कर देना है। अब कमीज की कटिंग हो गई। अब एक कुटका यहाँ पे लगा देना है सीना पे, और एक कुटका कमर पे लगा देना है, एक कुटका हिप पे लगाना है,
और एक कुटका कमीज के पूरे लंबाई पे एक कुटका लगा देना है। अब इस कमीज की कटिंग हो गई, या बाजू की कटिंग किसी और वीडियो में आपको बताते हैं उसमें कौन सा मैं पॉप वाला बाजू बनाऊंगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।